यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 3 है तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपसे पूछा कितना होगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, करके जरूर जाना है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जरूर करके जाइए जो भी ग्रुप डी का पेपर देने जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखें जब सेक और 10 की बात होती है, यहाँ सेक में क्वेश्चन दिया 10 में आंसर पूछा, तो आप लोगों को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और वो आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस 1 को उधर ले जाकर माइनस करें तो 10 स्क्वायर थीटा इधर बचेगा और उधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम 10 स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ देखें तो सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा। जब पावर 4 होती है तो 2 पावर बाहर होने से 2 पावर बचती है, यहाँ से पूरा सेक स्क्वायर थीटा बाहर चला गया तो माइनस 1 बचा, बराबर 3 हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये देखिए आप किसके इक्वल है, 10 स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ आप 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये यहाँ लिख दीजिए 10 स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर था ऊपर आइडेंटिटी से, 1 प्लस 10 स्क्वायर के, तो इसे लिखे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब बाहर 10 स्क्वायर थीटा है तो इन दोनों की हो जाएगी अंदर मल्टीप्लाई, 10 स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 10 स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस अब 10 स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर में होगी तो 10 की पावर 4 थीटा मिलेगा, ऐसे देखें आप, और इक्वल्स टू में तो 3 ही है और इसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे, बट आप ध्यान दीजिए जब भी सेक की पावर 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस और यहाँ अगर प्लस है तो हमेशा आंसर सेम ही रहता है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी आंसर 3 ही आएगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ऐसे याद रखिए और इसका आंसर हमेशा ऐसे ही लिख कर आना है।